तो जैसा क्वेश्चन में आपको दिया गया, देयर आर थ्री पॉइंट्स और एरिया बाउंडेड बाय दीज पॉइंट्स आर फोर स्क्वायर यूनिट। हम लोग जानते हैं तीन पॉइंट से ट्रायंगल बनता है और ट्रायंगल के एरिया डिटर्मिनेंट के फॉर्म में क्या होती है, एक्स वन वाई वन वन है ना, एक्स टू वाई टू वन, एक्स थ्री वाई थ्री वन। लेकिन प्रॉब्लम है ना, ये डिटर्मिनेंट कभी कभी निगेटिव वैल्यू थ्रो करता है और कभी पॉजिटिव थ्रो करता है, लेकिन हमें एरिया तो एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी होती है। इसका मतलब कि अगर ये एरिया 4 आया है तो ये प्लस 4 भी हो सकता था और माइनस 4 भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हम एरिया बोलते हैं, ठीक है, दैट इज़ अ इंपॉर्टेंट स्टेप। अब क्या हो जाएगा आपके पास, दैट इज़ 1/2। अब एक्स वन वाई वन रख देते हैं हम यहाँ से, सपोज ये एक्स वन है, ये वाई वन है, एक्स टू है, वाई टू है, और ये क्या है आपका एक्स थ्री है, वाई थ्री है। वैल्यू प्लेस कर दीजिए तो माइनस टू ज़ीरो वन, फिर क्या हो जाएगा ज़ीरो फोर और आपका वन हो जाएगा, फिर ज़ीरो के और क्या हो जाएगा वन हो जाएगा। चूँकि सी वन में मैक्सिमम नंबर ऑफ एंट्री ज़ीरो है तो हम एक्सपेंड कर देते हैं अबाउट सी वन, तो एक्सपेंडिंग अबाउट सी वन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस फोर यहाँ तो रहेगा ही, दैट इज़ 1/2 और ये हो जाएगा माइनस टू टाइम्स, ठीक है, प्लस माइनस प्लस होता है तो कोफैक्टर इसका वही रहेगा और ये कॉलम बंद हो जाएगा, रो बंद हो जाएगी, कितना आएगा 4 × 1 4 हो गया और माइनस के, तो यहाँ आ गया 4 माइनस के हो गया, 2 कैंसिल हो गया, माइनस इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, वी गेट माइनस प्लस 4 = 4 माइनस के हो गया। अब यहाँ पे एक बार निगेटिव साइन लेंगे तो क्या लिखेंगे, टेकिंग निगेटिव साइन क्या हो जाएगा आपका, माइनस 4 = 4 माइनस के इधर ले आइए, माइनस 4 इधर लाइए, को इधर के इधर से इधर आएगा पॉजिटिव हो जाएगा और माइनस 4 इधर से इधर आएगा पॉजिटिव, तो 4 पहले से था, इट बिकम 8, ठीक है। उसके बाद टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा आपके पास, 4 = 4 माइनस के इधर लाइए, 4 इधर लाइए, तो k = 4 माइनस 4, इट बिकम 0। तो दो आंसर पॉसिबल वैल्यू ऑफ k आ गई, आइदर 0 और 8, दैट इज योर फाइनल आंसर।